देश में कोरोना संकट के बीच आज पीएम मोदी ने एक हाई लेवल मीटिंग की। इस मीटिंग में कोरोना के साथ साथ वैक्सीनेशन की स्थिति पर भी चर्चा की गई। अधिकारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को कोरोना संक्रमण के मौजूदा हालातों के बारे में बताया और ये भी बताया कि देश में टेस्टिंग की रफ्तार भी बढ़ रही है। पहले जहां मार्च में हर हफ्ते 50 लाख के आसपास टेस्ट होते थे, पर अब हर हफ्ते 1,30,00,000 टेस्ट हो रहे हैं। पीएम मोदी को ये भी बताया गया कि देश में लगातार पॉजिटिविटी रेट घट रहा है और रिकवरी रेट बढ़ रहा है। तो वहीं पीएम मोदी कार्यालय की ओर से मिली जानकारी के अनुसार पीएम मोदी ने हाई पॉजिटिविटी वाले इलाकों में टेस्टिंग बढ़ाने के भी निर्देश दिए हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आरटीपीसीआर और रैपिड टेस्ट के जरिए टेस्टिंग को तेज किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि वे राज्यों को बिना किसी दबाव के महामारी के सही आंकड़े सामने रखने के लिए प्रोत्साहित करें। पीएम मोदी ने कहा कि जिन राज्यों में संक्रमण दर ज्यादा है वहां स्थानीय स्तर पर कंटेनमेंट जोन बनाने की रणनीति अपनाने की जरूरत है। पीएम मोदी ने ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने पर जोर दिया और कहा कि वहां डोर टू डोर टेस्टिंग और सर्विलांस पर फोकस किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को भी लगाया जा सकता है। साथ ही पीएम मोदी ने कुछ राज्यों में धूल फांक रहे वेंटिलेटर्स की रिपोर्ट्स पर भी नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने फौरन केंद्र सरकार की ओर से मुहैया कराए गए वेंटिलेटर्स के इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन का ऑडिट करने को कहा है।